हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र कुमार। आज हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट जो टॉपिक है, फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। और इसी में हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ये एक जो है सिस्टम होता है दो चार्ज का, दो पॉइंट चार्ज का, और सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, जिसको हम डाइपोल कहते हैं। डाइपोल की डेफिनेशन से हम यूज करेंगे। इस टॉपिक में आज हम जो मुख्य रूप से कवर करेंगे वो है, पहला पॉइंट हमारे पास जो कवर करेंगे ये एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन। सेकेंड पॉइंट हमारा रहेगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। थर्ड पॉइंट रहेगा टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्थ पॉइंट रहेगा हमारे पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिफ्थ रहेगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिक्स्थ रहेगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सेवन्थ रहेगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉइंट हम आज इसके अंदर कवर करके चलेंगे। तो चलिए आप शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेसन, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। जब वो हमारा कहाँ पर होता है? एक्सियल लाइन पर होता है। द इक्वेटोरियल प्लेन इज ए प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस टू बोथ दी चार्ज। इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है? मान लो जैसे ये हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे हम कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यहाँ पे कोई फोर्स लेते हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इक्वी डिस्टेंस। तो इक्वेटोरियल प्लेन इज ए प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस टू बोथ दी चार्जेज। इसमें हम और क्या इवेल्युएट करेंगे? वी आल्सो इवेल्युएट दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ दी डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट डाइपोल। एज इट इज वेक्टर क्वांटिटी इट मस्ट हैव डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन इज कंसीडर्ड टू बी फ्रॉम दी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और डायरेक्शन हम क्या लेके चलेंगे? इसकी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसकी जो है डायरेक्शन लेके चलेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास अब निकालते हैं जो हमारा एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन। ऑन एक्सियल लाइन मान लो हमारे पास ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ टू पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस डू। दो डी हमारी स्मॉल डिस्टेंस दी गई है सेपरेशन के लिए। और पी क्या है? हमारा एक पॉइंट है अलोंग दी एक्सियल लाइन ऑफ दी डाइपोल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम दी मिड पॉइंट ओ ऑफ दी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये मिड पॉइंट है हमारे पास, ये डिस्टेंस दी हुई है। तो ये सारे पॉइंट जो है हमारे पास दिए गए। ये फिगर देखिए ध्यान से, ये प्लस चार्ज क्यों हो गया और इधर से ये नेगेटिव चार्ज क्यों हो गया। सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस क्या है हमारे पास? टू डी है। और ये कोई एक्सियल लाइन हमारी पी पॉइंट है जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है। और ये मान लो कोई पॉइंट बी है और इधर से पॉइंट कोई ए है और ये इसका मिड पॉइंट हो गया। इधर से डिस्टेंस क्या है? डी है। और इधर से भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डी। सेपरेशन जो है दोनों का सेम दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस, पेयर ऑफ चार्जेस का मतलब प्लस और माइनस, एट एनी पॉइंट इन स्पेस कैन बी फाउंड आउट ऑफ कोर्स, जो हम कूलम्ब लॉ का यूज़ कर सकते हैं, एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। द रिजल्ट आर सिंपल फॉर द फॉलोइंग टू केसेस, दो केस होंगे हमारे इसके अंदर।
व्हेन द पॉइंट चार्ज इज ऑन द डाइपोल एक्सिस, और दूसरा हमारा इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट पी कैन बी ऑब्टेन बाई एडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी हमारे पास प्लस प्लस का हो या माइनस का हो, प्लस क्यू या माइनस क्यू डू टू अदर चार्जेज या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हुए। और इसमें हम जो है पैरेललोग्राम लॉ का भी यूज कर सकते हैं निकालने के लिए। तो पहले हम इसी को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू, पहले हम प्लस क्यू प्लेस्ड एट बी लेंगे, जो हमारा बी पॉइंट था। हमारे पास जैसे ये लाइन है ना, एक ये बी पॉइंट है हमारे पास और ये ए पॉइंट है, ठीक है। तो प्लेस्ड एट बी, ई वन उसको हम मान लेते हैं। तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास सेम होता है वही, क्यू डिवाइड बाई आर स्केयर होता है, लेकिन यहाँ पे आर क्या आ जाएगा, आर माइनस डी का स्केयर अलोंग बी पी, जो साइड हमारी बी पी बनती है ना, बी पी ये बाहर पॉइंट दिया है पी, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी पी। ये ध्यान रखना आपने, जो अभी हमने ये लिया था देख, अलोंग लाइन बी पी, अलोंग द लाइन, लाइन हमारी ये रहेगी अलोंग द लाइन बी पी, और फिर हम लेंगे अलोंग द लाइन ए पी, दोनों साइड से हम लेके चलेंगे इसमें। दूसरा हमारा अगर ई टू निकालना है तो वन अपॉन फोर फाइव एप्सिलॉन क्यू डिवाइड बाई आर प्लस डी का स्क्वायर, क्योंकि इसमें डिस्टेंस हमारी क्या है हाफ आर, ऐसे तो इधर से आर प्लस डी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने वो दूसरी डिस्टेंस क्या मानी है आर मानी है। नेक्स्ट वाली ये कोई पॉइंट पी है हमारे पास, ये भी डिस्टेंस डी है और ये डिस्टेंस डी है, इनके टोटल डी, और दूसरी डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी आर। तो ये दो इक्वेशन बन जाती है हमारी। और फॉर द पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या आएगा हमारे पास, दो इक्वेटोरियल प्लेन लेते हैं। तो इक्वेटोरियल प्लेन में मान लो हमारे पास ये फिगर दिया गया है, ये डिस्टेंस टू वेल, कई बार इसमें टू डी भी ले लेते हैं, हम टू डी भी ले लेते हैं, एक ही बात है टू डी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी डी भी मान सकते हैं इसको, इधर से ये भी डी हो सकती है हमारी, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है पॉइंट चार्ज, और इस पे पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, और ये कोई पॉइंट है पी जहाँ पे हमने फील्ड निकालना है, ये इक्वी डिस्टेंस है दोनों, क्या है ये इक्वी डिस्टेंस पर, और ये एट ए डिस्टेंस आर पर, और ओ से परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस क्या है ये आर है हमारे पास, देख लीजिए एक बार पॉइंट दोबारा ऊपर से। तो यहाँ पे ई वन बनेगा और यहाँ पे ई टू और यहाँ पे सिंपल टोटल मैग्नीट्यूड, इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया साइन थीटा और कोस थीटा के कंपोनेंट में, तो ये फील्ड ई टू बनेगा और ये फील्ड ई वन बनेगा, ये किस पर बनेगा प्लस हमारा क्यू का बनेगा, ई वन प्लस क्यू पे आएगा हमारा, और ई टू ये देखिए ई वन और ई टू माइनस क्यू पे आएगा इधर से, ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, ये पॉइंट पी है, ये एंगल थीटा बनता है इसके बीच में और ये एंगल थीटा बनता है, ये हमारा नॉर्मल हो गया परपेंडिकुलर जिसको हम बोलते हैं। अब पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू प्लेस्ड एट ए, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर विद द ग्रेटर मैग्नीट्यूड, तो टोटल हमारे पास क्या रहेगा, दोनों को यदि हम जोड़ते हैं दोनों का सम ले लेते हैं, ई वन प्लस माइनस ई टू, क्योंकि वो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग लेके चलेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्जेस प्लस और माइनस के वो दो चार्ज हैं, उनके कैसे देंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था एक्सियल लाइन पे किया था, जो पहले का क्या हो जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्केयर, सेकेंड क्या बनेगा फोर पाई, वही क्यू है ना हमारे पास वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, इसमें पहले क्यू ले लिया बस इतना फर्क है, सेम इक्वेशन है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्केयर हमारे पास सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ ई क्या आ जाएगी प्लस क्यू और दूसरे क्या आ जाएगी माइनस क्यू, आर सोन इन दी फिगर में दिखाया गया, द
द कंपोनेंट नॉर्मल टू द डाइपोल एक्सिस कैंसिल जावे, क्यों कैंसिल कर देंगे, द कंपोनेंट अलोंग द डाइपोल एक्सिस एडिड मैप, क्योंकि एंगल उसमें क्या बनता है, एक में 90 डिग्री बनता है, यानी कि एक में कोस थीटा बनता है और एक में साइन थीटा बनता है, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का सम ले चलेंगे, इन टू में कोस थीटा पी, नेगेटिव साइन सो दैट फील्ड इज अपोजिट टू पी, इसका मतलब ये भी फील्ड जो है इसके अपोजिट में है, तो ई हमारे पास क्या हो जाएगा, टू क्यू ए फोर अपॉन में फोर फाइव से नोट आर प्लस आर का स्केयर प्लस ए स्केयर का थ्री बाई टू। अगर डिस्टेंस हम लार्ज लेते हैं, बहुत वेरी लार्ज डिस्टेंस लेते हैं, यानी कि आर की वैल्यू ए से बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा फिर हमारे पास नेग्लिजिबल हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा ये वाला ए नेग्लिजिबल, यानी कि जीरो के बराबर मान के चलेंगे, तो यहाँ जब जीरो पुट करते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। लेकिन डाइपोल की डेफिनेशन क्या है, ये डाइपोल की डेफिनेशन है हमारे पास, क्यों इजिकल पी इजिकल टू क्यों इंटू टू ए पी, ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करने से ये हमारे पास आ जाता है टोटल जो अभी कैलकुलेट किया हमने। अब लेते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या आते हैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल के, तो अभी हमने जो स्टडी किया डाइपोल को, डाइपोल मोमेंट को पिछली वीडियो में हमने किया था, दोनों को मिला के हमें क्या पता चलता है कि इससे जो हमें क्या मेजर करता है, मेजर ऑफ पोलराइजेशन ऑफ नेट न्यूट्रल सिस्टम, स्टडी ऑफ डाइपोल मोमेंट्स मेजर द टेंडेंसी ऑफ ए डाइपोल टू अलीगन विद एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका हमारे पास मेन सिग्निफिकेंस हो जाएगा। अब निकालते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक की बजाय हम कह लेंगे अब इलेक्ट्रिक डाइपोल, देख लेते हैं क्या क्या लेके चलेंगे। मान लो हमारे पास कोई परमानेंट डाइपोल है ऑफ डाइपोल मोमेंट पी, डाइपोल मोमेंट कोई पी है, पहले थोड़ी देख लेते हैं, मान लो हमारे पास कोई परमानेंट डाइपोल है पी, डाइपोल मोमेंट का पी, और यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड हमारे पास वही ई कैपिटल ई है जैसा कि फिगर में दिखाएंगे अभी, तो उसके बाद क्या होगा हमारे पास, दूसरी बात एक और है, अभी जब हम परमानेंट डाइपोल लेते हैं वी मीन दैट पी एग्जिस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ ई, इट हैज नॉट बीन इंड्यूस्ड बाई ई, इसका हम ये लेकर चलेंगे, दे इज ए फोर्स हमारे पास, फोर्स क्या होता है हमारे पास क्यू ई, फोर्स क्या होता है क्यू ई, फोर्स निकालते हैं तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है क्यू ई होती है हमारे पास, और क्यू क्या हमारे पास कोई भी चार्ज है, तो एक फोर्स हमारे पास प्लस क्यू ई हो सकता है और दूसरा फोर्स क्या बनेगा हमारे पास माइनस क्यू ई, ये दो फोर्स बनेंगे हमारे पास प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई, माइनस वाला नेगेटिव चार्ज पे पॉइंट चार्ज पे बनेगा और प्लस वाला प्लस पॉइंट चार्ज पे बनेगा, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल जीरो रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, नेट फोर्स क्या रहेगा जीरो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, फिर भी हम कह सकते हैं कि चार्ज आर सेपरेटेड, चार्ज क्या है सेपरेटेड है हमारे, सो द फोर्स एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स रिजल्टिंग इन ए टॉर्क ऑन द डाइपोल, और जब उसमें नेट फोर्स जब जीरो होगा तो इसका मतलब टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन, क्यों, टॉर्क का मतलब हम कपल लेके चलते हैं, इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल किसके है मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द आर्म्स ऑफ द कपल, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वी पैरेलल बोल सकते हैं एंटी पैरेलल फोर्सेज होते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क हम क्या लेके चलते हैं क्यू ई इंटू में टू ए साइन थीटा, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं टॉपिक, ये था थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, तो कंसीडर वही हमारा एक डाइपोल ले लिया हमने, चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू है हमारे पास, दो चार्ज हो गए हमारे पास, और डाइपोल फॉर्मेशन बन रही है, सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस क्या है डी फ्रॉम ईच अदर, और मान लो कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ई जो इसके अंदर वेरी करता है, such that the axis of dipole form an angle theta, angle क्या बना रहा है theta,
विद द इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो टॉर्क हमारे पास क्या रहेगा चाहिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले पे वही अभी बात की थी हमने, प्लस के ऊ आएगा और दूसरे पे फोर्स क्या बनेगा, माइनस क्या हुआ। ये दो इक्वेशन हमारे पास बनती है, टोटल फोर्स जो रहेगा उसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस फोर्स आ जाता है। और कंपोनेंट हमारे क्या बनेंगे परपेंडिकुलर में, प्लस क्यू ई साइन थीटा और माइनस क्यू ई साइन थीटा, ये दो बनेंगे एफ परपेंडिकुलर दोनों कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब हमें पता है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस क्या है हमारे पास डी, तो इसलिए टॉर्क क्या बनेगा हमारे पास, फोर्स गुना डिस्टेंस सेपरेटिंग फोर्स। कई बार लेते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। फोर्स क्या है हमारे पास क्यू ई, फोर्स क्या है हमारे पास क्यू ई, ये फोर्स की डेफिनेशन होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगी हमारे पास डी साइन थीटा, क्या बनेगी डी साइन थीटा, जो कि ये दिखाया गया है टॉर्क, ये वाली इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास टॉर्क की डेफिनेशन। तो इसका मतलब टॉर्क क्या हो गया हमारे पास डी क्यू ई साइन थीटा। सिंस डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय, लेकिन डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या है, पी इज इक्वल टू क्यू डी, पी इज इक्वल टू क्यू डी। तो ये हमारे पास टॉर्क क्या देगा, यहाँ से क्यू डी के स्थान पे क्या देगा पी ई साइन थीटा देगा, पी ई साइन थीटा बनेगा ये। ये हो जाएगा हमारे पास पी ई साइन थीटा। और जो हमारी इसकी डायरेक्शन है डाइपोल की, क्या रहेगी डाइपोल मोमेंट की, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। इट कैन सी फ्रॉम द अबो इक्वेशन दैट द टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। अभी हमने जो किया पी ई साइन थीटा किया ना, नोटिस दैट टॉर्क इज एन क्लॉक वाइज डायरेक्शन हेंस नेगेटिव इन द अबो फिगर। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव, अगर मान लो डायरेक्शन क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी, तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास टॉर्क, हम किस में लेके चलेंगे नेगेटिव में लेके चलेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस पी ई साइन थीटा। वहाँ पे हमने लिया था पी ई साइन थीटा प्लस में लिया था, या फिर वेक्टर आर जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी प्रकार हम टॉर्क लेके चलेंगे, टॉर्क क्या हो जाएगा पी क्रॉस ई, इसको हमने वेक्टर में अगर लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू जैसे हम लिखते हैं ना, तो इसी प्रकार टॉर्क क्या हो जाएगा हमारे पास वेक्टर पी क्रॉस में वेक्टर ई। मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो ये हो जाएगा यानी कि पी का ई, आप लर्न के लिए जी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है हमारे लिए। आप करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो हमें पता है कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ये हमने पढ़ा है, चार्ज हमेशा क्या होता है क्वांटाइज्ड होता है, हमारे पास चार्ज क्या होता है क्वांटाइज्ड होता है। यानी कि पर्टेनिंग टू स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज इज दैट इट कैन एग्जिस्ट, तो दो फॉर्म हो सकती हैं प्लस और माइनस की, क्या हो सकती हैं दो, प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन चार्ज में, इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन। तो ये ही हमारे पास चार्ज हो सकता है, प्लस ई भी हो सकता है और माइनस ई भी हो सकता है, ये दो तरह के चार्ज किसी भी प्रोटोन या इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट हो सकते हैं। और टोटल स्पेस कवर्ड क्या हो जाएगा किसी भी चार्ज के द्वारा हमारे पास, वो बहुत कम होता है किसी एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, टोटल फोर्स या स्पेस जो भी बनेगा हमारा वो बहुत कम बनता है। दैट ऑब्जर्वेशन पॉइंट कैन बी टेकन एट पॉइंट चार्ज, इसलिए हम क्या लेकर चलते हैं उसको पॉइंट चार्ज लेकर चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं पॉइंट चार्ज। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हम क्या है, ऑल द चार्ज आर क्लोजली बाउंडेड टुगेदर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, हैविंग वेरी लेस स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, बट दिस क्लोजली बाउंड सिस्टम डज नॉट मीन दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज अनइंटरप्टेड, इसका मतलब ये भी वो उन पे कोई
फोर्स नहीं लग रहा। इट क्लियर दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेपरेट चार्ज इज कंटिन्यूस हैविंग ए माइनर स्पेस बिटवीन देम। तो स्पेस जो है हमारे पास क्या रहेगा, बिल्कुल कम रहेगा। दूसरी बात इसके बारे में हम जो बात करते हैं करने से पहले हमें थोड़ी सी जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए। पहला हमारी जो है डेफिनेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी क्या होती है, पिछले टॉपिक में हमने वीडियो किया था तो थोड़ा सा भी इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चार्ज डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस एरिया या वॉल्यूम, तीनों में आ जाएंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी तो लेंथ लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी में सरफेस एरिया लेंगे और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में वॉल्यूम लेते हैं। ये तीन पॉइंट इसमें कवर करके चलते हैं। जैसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ग्रीक सिंबल क्या है इसका, रो, और डेफिनेशन क्या बनेगी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और मेजर किस में करते हैं ऐसा सिस्टम में, कूलम पर क्यूबिक मीटर। जी कूलम पर क्यूबिक मीटर एट एनी पॉइंट इन द वॉल्यूम। और सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम सिग्मा से लेते हैं, सरफेस चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया मेजर इन कूलम्स पर स्केयर, ये स्केयर में आ जाएगी हमारे पास, एट एनी पॉइंट ऑन ए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम लेमडा से लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, मेजरमेंट क्या हो जाएगी इसकी, कूलम पर मीटर। एट एनी पॉइंट ऑन ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डेंसिटी कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सिंस इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो हो जाता है पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। अब हमारा पॉइंट है जो हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार का होता है, जिस तरह से हमने चार्ज डेंसिटी ली है उसी प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अलोंग ए लाइन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अलोंग ए सरफेस, और तीसरा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब वॉल्यूम के लिए लेके चलेंगे। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को होता है व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली अलोंग द लाइन देन इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब वो मान लो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग ए लाइन होगा, सिंगल लाइन के होगा, तो उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल लाइक मेकिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल स्ट्रेट लाइन, तो वो लाइन पर रहेगा, चाहे वो सर्कुलर हो चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे जैसा भी हो झिकझक, लेकिन रहेगा वो लाइन पर रहेगा। दूसरा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग ए लाइन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसमें रहेगा वो स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, सर्कमफ्रेंस में भी हो सकता है वो ऑफ ए सर्कल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, लेमडा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी जब भी हमने डेफिनेशन की थी तो वो क्या ली थी, चार्ज पर यूनिट लेंथ ली थी हमने। तो इसमें इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू बाई डी एल, डी एल क्या है स्मॉल लेंथ है, और डी क्यू क्या है स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल लेंथ डी एल। फिगर दिखाया गया, फिगर देखिए, ये स्मॉल लेंथ है डी एल और ये सिंबल है इसका और ये लेंथ होगी हमारी टोटल। तो डी क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, लेमडा इंटू डी एल, क्योंकि वो था हमारे पास लेमडा क्या था, लेमडा था हमारे पास डी क्यू डिवाइड बाई डी एल, तो हमें डी क्यू निकाल लिया, रीअरेंज किया इसको, रीअरेंज करने से लेमडा डी एल आ गया। तो सो इलेक्ट्रिक ऑन स्मॉल चार्ज एलिमेंट डी क्यू विल बी हैज, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, के इंटू डी क्यू डिवाइड बाई आर स्केयर, कूलम ला हम इसका यूज करते हैं जब, तो डी ई क्या हो जाएगा, के लेमडा डी एल डिवाइड बाई आर स्केयर, वैल्यू पुट कर दिया अभी डी क्यू की, डी क्यू की वैल्यू पुट की, अभी हमने डी क्यू निकाला ना, डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, डी क्यू क्या है हमारा, देखिए ये देख लीजिए एक बार,
डी क्यों ये दिखे लेमडा इंटू डी एल, तो ये क्या आ गया हमारे पास लेमडा इंटू डी एल डिवाइड बाई आर स्केयर सेम ऐसे कैसे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल निकलाएगा, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे हम जीरो से एल तक, तो ये ऐसे कैसे, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है हमारे पास दोनों, इसलिए ये बाहर आ गए, तो बच गया हमारे पास लेमडा इंटू डी एल। और मेजरमेंट इसका वही हमने पहले किया था कूलम पर मीटर। अब लेते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेम लेके चलेंगे। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली ओवर द सम एरिया, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज विच इज इक्वल टू द चार्ज पर यूनिट एरिया, ये क्या है हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया, सेम वही पॉइंट हो जाएगा सिग्मा डी क्यू बाई डी एस। उसमें हम क्या लिया था, डी क्यू बाई डी एल लिया था, उसमें हमने क्या लिया था डी एल, तो इसमें डी एस के स्थान पे डी एल आ जाएगा, फिर डी एल के स्थान पे डी वी आ जाएगा, तीन ही पॉइंट लेने बस हमें, ठीक है। विद डी क्यू इज स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज वही पॉइंट, और स्मॉल एरिया डी एस आ जाएगा जैसा कि फिगर में दिखाया गया। ये हमारे पास कोई सरफेस एरिया है और ये स्मॉल डी ए दिया, या डी एस ले सकते हैं हम यहाँ पे डी एस, ये मान लो स्मॉल डी एस है और ये इसका सिंबल आ गया हमारे पास। तो डी क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास सिगमेंट, वही सेम इक्वेशन आ जाएगी, फिर जैसे हमने लीनियर के लिए किया सेम ऐसे करेंगे, डी क्या हो गया डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो फिर वही डी क्यू की यहाँ से वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया के सिग्मा डी एस डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज वही दोबारा फिर हम इंटीग्रेशन लेके चलेंगे दोनों साइड का, सेम वही हमारे पास इक्वेशन ये सामने आ जाती है। तो ये था हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेम हम निकालेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन द चार्ज इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वॉल्यूम, फॉर एग्जाम्पल स्फीयर आर ए क्यूब, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई रो, ये इसका सिंबल है। सेम वही अभी जैसे पॉइंट किया था उसमें हमने नीचे क्या लिया था, पहली बार तो लिया था डी एल, फिर क्या लिया डी एस, अब क्या आ गया डी वी चेंज इन वॉल्यूम, डी के वही स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज और डी वी स्मॉल वॉल्यूम, तीनों हमारे सेम रहेंगे। ये जैसे दिए गए हैं, ये कोई हमारा सरफेस है और ये इसका सिंबल होगा, ये स्मॉल वॉल्यूम होगा डी वी के लिए, तो वही सेम पॉइंट हमारा डी क्यू क्या आ जाएगा रो इंटू डी वी। और फिर इक्वेशन कैसे बनती है, सेम वही हमारे पास ये इक्वेशन बनती है डी इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू डिवाइड बाई आर स्केयर, फिर वही हमारे पास ये वैल्यू है यहाँ पे पुट करनी है डी क्यू पे, तो डी क्यू वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है इक्वेशन। फिर वही हमारे पास दोबारा से फिर इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड का, इंटीग्रेशन में जीरो से वी तक लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल, तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और मैं